नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्राइवेट वाहन से ड्यूटी करने जा रहे थे पुलिसकर्मी, एसपी बोले नौकरी करना सिखा दूंगा। शामली में लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को ड्यूटी पर रवाना किए गए पुलिसकर्मियों की मनमानी का मामला सामने आया है। आवागमन के लिए दी गई बस में सवार होने के बाद उतरकर निजी वाहन से ड्यूटी स्थल के लिए रवाना हो रहे पुलिसकर्मियों को एसपी ने जमकर फटकार लगाई। एसपी ने मनमानी कर रहे पुलिसकर्मियों से कहा कि तुम लोगों को नौकरी करना सिखा दूंगा। मंगलवार को ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले में दिलचस्प पहलू यह भी है कि जब एसपी ने रवाना किए गए पुलिसकर्मियों की उपस्थिति शाहबाद सीमा पर जचवाई तो 474 में से 180 गैर हाजिर मिले। ड्यूटी से लौटने के बाद इन सभी पर कार्यवाही की तैयारी विभाग कर रहा है। पुलिस लाइन से एसपी केसी गोस्वामी ने मंगलवार को 10 बसों से 474 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना किया था। पूरे मामले को लेकर एसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। ड्यूटी के लिए भेजे गए पुलिसकर्मियों की आवश्यक दवाइयां और पानी की बोतलें उपलब्ध कराई गई थी। एक बस में मेस की व्यवस्था भी की गई थी। कुछ पुलिसकर्मी घर भागने के चक्कर में बसों से उतरकर सरकारी राइफल सहित प्राइवेट वाहनों से जाने लगे। यह गलत है और अनुशासनहीनता का परिचायक है। कार्यवाही की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।